हेलो स्टूडेंट्स, गुड टाइम टू ऑल। आई एम चंदन कुमार प्रधान। वेलकम टू यूट्यूब चैनल चंदन फिजिक्स। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस वैन डेर ग्राफ जेनरेटर। लेट्स बिगिन। एक सिंपल फेनोमेनन को लक्ष्य करिबा। जेतेबेले कौनसी एक चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक फील्ड मध्य गति करुथाए सेतेबेले से चार्ज पार्टिकल उपरे फोर्स पड़िबो। तेबे आमे एक इलेक्ट्रिक फील्ड केमिति सृष्टि करिबा, आमको सेति पई पोटेंशियल डिफरेंस रा आवश्यकता पड़िबो। जदि आमे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करिबा, पोटेंशियल डिफरेंस मध्य रे से चार्ज पार्टिकल गति करथिले से चार्ज पार्टिकल उपरे फोर्स पड़िबो। फोर्स कारण आसलरेसन सृष्टि हे, से चार्ज पार्टिकलटी आसलरेट कर। तेब पार्टिकल आसलरेटर जो इंस्ट्रुमेंट साहाज्यरे आमे चार्ज पार्टिकल को आसलरेसन प्रदान करुचे, कौन से एक न्यूक्लियर रिएक्शन संपर्क रे स्टडी करने किंबा न्यूक्लियसर कौन सी प्रॉपर्टीज को स्टडी करने आमको न्यूक्लियर रिएक्शन आवश्यकता पड़ुछि। से न्यूक्लियर रिएक्शन पार्टिकल को हाई एनर्जी रे कौन से एक न्यूक्लियस सहित बम्बार्डमेंट करिवार आवश्यकता अछि। ते पार्टिकल को हाई एनर्जी प्रदान करिवा पई आमे जो इंस्ट्रूमेंट रा आवश्यकता करुछे ताकु कहा जाउछि पार्टिकल एक्सेलरेटर। ते ए सिचुएशन रे पार्टिकल को अधिक परिमाण रो एनर्जी आवश्यकता पड़ुछि, तो माने पार्टिकल रो एक्सेलरेशन को आमको बढ़ाया पई पड़िबो। किंतु जो सिंपल फेनोमेनन टी आमे लक्ष्य करथिले पोटेंशियल डिफरेंस कारण रु से पार्टिकल उपरे फोर्स पड़ुछि, से फोर्स कारण रु पार्टिकल टी एक्सेलरेट होउछि। ए सिचुएशन रे से जो पोटेंशियल डिफरेंस बहुत कम, किंतु आमे जो पार्टिकल एक्सेलरेटर उपरे आलोचना करूछे आमको अधिक परिमाणर पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि करिया पई पड़िबो। अधिक परिमाणर पोटेंशियल डिफरेंस अर्थात से पोटेंशियल डिफरेंस रो रेंज टा मेगा इलेक्ट्रो वोल्ट समथिंग रहिबो। तबे ए ह्यूज अमाउंट रो पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि करिया पई आमको एक प्रकार रो डिवाइस रा आवश्यकता, जे कि वेरी ह्यूज अमाउंट रो पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि करिबो। तबे सेही प्रकार गोटे डिवाइस हेउची वैन डेर ग्राफ जेनरेटर। विशेष करके ए डिवाइस गुड़ी को तुम्हें विभिन्न प्रकार साइंस एग्जीबिशन रे देखिथिबो, ए डिवाइस उपरे हाथ रखिले मुंडर चुट्टी गुड़ी को ठिया हेजिबो। गोटे मजादार एक्सपेरिमेंट विभिन्न प्रकार साइंस एग्जीबिशन रे ए वैन डेर ग्राफ जेनरेटर देखा जाय थाय। तबे वैन डेर ग्राफ जेनरेटर इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्टिकल एक्सेलरेटर दैट कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग ए हाई पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ऑर्डर 10^7 वोल्ट। वैन डेर ग्राफ जेनरेटर टी एक पार्टिकल एक्सेलरेटर जे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल पे बेस्ड, जे प्रोड्यूस कर पार्टी गोटे हाई पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस रो ऑर्डर टा 10^7 वोल्ट। इट वाज डिजाइन बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट वैन डेर ग्राफ, जने अमेरिकन साइंटिस्ट, इन द ईयर ऑफ 1929। अमेरिकन फिजिसिस्ट 1929 मसीह साइंटिस्ट को नाम वैन डेर ग्राफ से इंस्ट्रूमेंट टी को डिजाइन करथिले। ते प्रथम करी जेतेबेले फर्स्ट टाइम ए डिवाइस टी डिजाइन करा जायथिला बाय द साइंटिस्ट रॉबर्ट वैन डेर ग्राफ, हिज फर्स्ट जेनरेटर कुड प्रड्यूस ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 80,000 वोल्ट। प्रथम करी जेते बेले से डिवाइस टी डिजाइन करा जाय थिला से 80,000 वोल्ट ही प्रड्यूस करि पारु थिला। व्हेन टू जेनरेटर्स आर यूज टुगेदर, किंतु किछि मॉडिफिकेशन करा गला, दीटा जेनरेटर गोटे वैन डेर ग्राफ जेनरेटर अगेन अन्य गोटे वैन डेर ग्राफ जेनरेट को जेते बेले टुगेदर जॉइन करा गला, वन जेनरेटिंग पॉजिटिव एंड अदर जेनरेटिंग नेगेटिव पोटेंशियल, गोटे पॉजिटिव पोटेंशियल जेनरेट कला अन्यटी नेगेटिव पोटेंशियल जेनरेट कला, तेन द एक्सेलरेटर इज नोन एज
टेंडम भेंडेग्राफ जेनेटर तेरे से प्रकार आक्सेलरेटर को आम कहे टेंडम भेंडेग्राफ जेनेटर लैटर ए वीडियो रे लैटर पार्ट रे आम डिस्कशन करवा टेंडम भेंडेग्राफ जेनेटर कौन। सर्वप्रथम आम भेंडेग्राफ जेनेटर संपर्क आलोचना करवा जार कंस्ट्रक्शन के भाव में क्यों प्रिंसिपल बेस्ड तार ड्रॉबैक्स एज वेल एज एडवांटेजेस। भेंडेग्राफ जेनेटर इज अल्सो कॉल्ड बेल्ट जेनेटर ताकूमें बेल्ट जेनेटर कहवा। तेरे इंट्रोडक्शन सेशन में कौन जानले ना भेंडेग्राफ जेनेटर हो पार्टिकल एक्सेलरेटर जेक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंसिपल बेस्ड जो पार्टिकल एक्सेलरेटर टी जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि करुच्ची इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सृष्टि करुच्ची तार अर्डर 10^7 वोल्ट। तबे आमे एते ह्यूज अमाउंट रो पोटेंशियल केमिति सृष्टि करिबा तार प्रिंसिपल कौन द इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज टेक्स प्लेस इन एयर और गैस रेडियली आर द पोटेंशियल एंड्स। एयर रे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज होउच केमिति ना रेडियली आर द पोटेंशियल एंड्स पोटेंशियल एंड आड़ को रेडियल डिस्चार्ज होउच। मैथमेटिकल ताक बुझिबा माने को सरफेस चार्ज डेंसिटी रो मैथमेटिकल इक्वेशन कौन सिग्मा चार्ज पर सरफेस एरिया माने को चार्ज होउची क्यू से सरफेस एरिया होउची 4πr² 4πr² तार सरफेस एरिया भितर चार्ज अछि क्यू माने को से जो पॉइंट से पॉइंट गोटे सार पॉइंट कारण तार डिस्टेंसटा आर नियरली इक्वल टू जीरो आर टेन्स टू जीरो जो आर टेन्स टू जीरो से सिचुएसन तार चार्ज डेनसीटी के आसो इनफिनिटी तमाने आम जिते बड़े चार्ज को डिस्चार्ज करवा इलेक्ट्रिक चार्ज को डिस्चार्ज करवा आम से प्रकार डिजाइन करवा जहाँफल आम सरफेस चार्ज डेनसीटी अधिक पाइबा चार्ज से सरफेस रे एक्युमुलेट अधिक परिमाण हो पार जिते बड़े से सरफेस टा गोटे पॉइंट सरफेस हो थाए गोटे प्रिंसिपल जदि से सरफेस टा गोटे पॉइंट सरफेस हो थाए से सिचुएसन से सरफेस रे चार्ज एक्युमुलेशन अधिक हो। नेक्स्ट प्रिंसिपल कहुची व्हेन ए चार्ज कंडक्टर इज प्लेस्ड इन इंटरनल कंटाक्ट विथ अनादर हॉलो कंडक्टर देन द एंटायर चार्ज इज ट्रांसफर्ड टू दैट ऑफ हॉलो कंडक्टर दिस मीन्स द इलेक्ट्रिक चार्ज लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। मनेकर आम कौन करवा ना एक प्रकार सॉलिड कंडक्टर नवा ये मनेकर गोटे है सॉलिड कंडक्टर ये पॉजिटिव चार्ज तेरे प्रिंसिपल अनुजाई चार्ज गुड़िक कंडक्टर मध्य रही ना कारण इनसाइड दैट ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तेरे से चार्ज गुड़िक आर सरफेस रे ही एक्युमुलेट हे ये पॉजिटिव चार्ज गुड़िक ये सरफेस रे ही एक्युमुलेट हे। एगेन यदि कि सॉलिड कंडक्टर ऊपर गोटे हॉलो कंडक्टर रखा इट इज ए हॉलो कंडक्टर एवं ये सॉलिड कंडक्टर हॉलो कंडक्टर को आम जॉइन कर दवा बर्तमान हॉलो कंडक्टर मध्य सॉलिड कंडक्टर टी अच्छी प्रिंसिपल अनुजाई इनसाइड दैट ऑफ कंडक्टर मध्य इलेक्ट्रिक फील्ड ना तबे चार्ज गुड़िक तार सरफेस रे ही एक्युमुलेट हे तबे पॉजिटिव चार्ज बर्तमान ये हॉलो कंडक्टर ऊपर ही एक्युमुलेट हे तेणुक यही प्रिंसिपल को बेस करी आम से प्रकार डिवाइस को डिजाइन करवा तमें जिते परिमाण पॉजिटिव चार्ज आम सॉलिड कंडक्टर को दवा सेते परिमाण पॉजिटिव चार्ज मत हॉलो कंडक्टर रे अल्टिमेटली एक्युमुलेट हो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पोटेंशियल तार पोटेंशियल जहाँ होना कहीं ओके तेज दुईटी जाक प्रिंसिपल को व्यवहार करके वर्तमान आम भेंडेग्राफ जेनेटर को कंस्ट्रक्ट करवा।
let's come to that construction part. Here is the construction part. First principle anujayi kon thila na surface charge density infinity hobo kete bele sharp point pai arthat charge accumulation ame adhika karai pariba jodi ta gote point surface hoi thai. वो नेक्स्ट कहला इलेक्ट्रिक चार्ज लाय करिबो सरफेस ऑफ द कंडक्टर नॉट इनसाइड दैट ऑफ कंडक्टर. इनसाइड दैट ऑफ कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तेणुक जहाँ सब सरफेस चार्ज चार्ज रहिबो से कंडक्टर ता सरफेस ऊपर ही रहिबो. लेट कम टू द कंस्ट्रक्शन पार्ट ऑफ दैट वेन डायग्राफ जनरेटर. एठारे आमे गोटे सॉलिड मेटालिक स्फीयर ने सॉलिड मेटालिक स्फीयर यार ऊपर हम गोटे हॉलो मेटालिक स्फीयर ने सेकंड प्रिंसिपल को यूज करने सॉलिड मेटालिक स्फीयर नेले हॉलो मेटालिक स्फीयर नेले एवं ये सॉलिड मेटालिक स्फीयर को हॉलो मेटालिक स्फीयर सहित कनेक्शन करने आम गोटे मेटालिक कॉम्ब व्यवहार कले मेटालिक कॉम्ब पानी आकृति सीए कि मेटालिक मेटालिक कम नबार जस्टिफिकेशन कौन ये जो कम पॉइंट गुड़िक गोटे पॉइंट सरफेस जेहेतु एगुड़िक पॉइंट सरफेस से ही कारण यार सरफेस चार्ज डेंसिटी इनफिनिटी आसीब अर्थात ये चार्ज एक्युमुलेशन अधिक करिवो से ही कारण आम ये मेटालिक कम नहीं गोटे मेटालिक कम नहीं एठारे मध्य गोटे मेटालिक कम नहीं अगेन जो मेटालिक स्फीयर रहिला गोटे सॉलिड मेटालिक स्फीयर एठारे आम गोटे पुले को कनेक्शन देचे एठारे मध्य गोटे पुले को कनेक्शन देचे जो पुलेर सेंटर पॉइंट पी वन से सॉलिड मेटालिक स्फीयर रो सेंटर रे रहउची एठारे पुलेर सेंटर पॉइंट पी टू तबे जो पुले को आमे जॉइन करिछ ए जो पुले ए जो गोटे फ्रिक्शनलेस पुले कोनो से फ्रिक्शन हेउ नाही जो पुले को आमे जॉइन करिछे सेटा हेउची गोटे कन्वेयर बेल्ट एक बेल्ट सहायता रे आमे ए पुले को जॉइन कर से पी वन एवं पी टू ताको हासे कन्वेयर बेल्ट दीटा इंसुलेटिंग पिलर एटा गोटे इंसुलेटिंग पिलर ए अन्य गोटे इंसुलेटिंग पिलर बी. इंसुलेटिंग पिलर व्यवहार करिवार कारण कौन कारण जो चार्ज टी बाहर को आसीबो नै वर्तमान सी वन जहाँ हूँ मेटालिक कम कम आकृति गोटे मेटाल जहाँ आम कनेक्शन करे एक हाई टेंशन बैटेरी साहय तार नेगेटिव सरफेस को आम यार्थिंग दे जो पुले पी वन एवं पी टू फ्रिक्शनलेस पुले ये पुलेर यही एंड को आम गोटे मोटर साहय कनेक्शन करे ये मोटर र ग्राफिकल व्यू बाय मोटर को ये फिगर आम दर्शाईने तेब मोटर थी काम कौन मोटर फल पुलेटी डायरेक्शन ही रोटेट कर जो तीर चिन्ह आम जो देचे से तीर चिन्ह ही रोटेट कर लक्ष्य कर हाई टेंशन बैटेरी फल आम एठारे पॉजिटिव चार्ज हाई टेंशन बैटेरी ये गोटे पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि करुची तबे कम टी पॉजिटिव एंड रहिला ता लोअर एंडटा रहिला नेगेटिव तमाने इलेक्ट्रॉन रो फ्लो के भलिया हबो यहाँ हूँ गोटे कन्वर बेल्ट तेरे बेल्ट रू
इलेक्ट्रॉन गुड़िक कम दे कि हाई टेंशन बैटरी जा ग्राउंड को आसो एक्चुअली कौन पॉजिटिव चार्ज रो फ्लो होछि कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन गुड़िक ग्राउंड को जाउछन्ती ताहापाय आमे कहि देइ परिबा जे इठार पोटेंशियल पॉजिटिव रहउछि जेतु इलेक्ट्रॉन गुड़िक मेटालिक कम साहाज्य रे ग्राउंडेड होउछन्ती ते मेटालिक चार्ज रे मेटालिक पॉइंट रे बर्तन पॉजिटिव चार्ज सृष्टि हला सेइ भली भाव रे मेटालिक कम रे जेते परिमाण रो पॉजिटिव चार्ज सब सृष्टि होउछि मेटालिक कम रे जेते परिमाण रो पॉजिटिव चार्ज सृष्टि होउछि तार कारण कोन ना ए थ्रू इलेक्ट्रॉन गुड़िक ग्राउंडेड होउछन जेते कि इलेक्ट्रॉन ग्राउंडेड होइछन सेते कि परिमाण रो पॉजिटिव चार्ज मेटालिक कम रे सृष्टि होउछि काहे कि आमे हाई टेंशन बैटरी रे तार पोटेंशियल को बढ़ाउछि बर्तमान मेटालिक कम C1 रे पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हला ये जो कन्वेयर बेल्ट ए डायरेक्शन रे मूवमेंट करुछि तेणुकरी ए कन्वेयर बेल्ट रे ए पॉजिटिव चार्ज गुड़िक तलु ऊपर को चलिले अगेन ये आमर अच्छी गोटे मेटालिक स्फीयर ए मेटालिक स्फीयर टा बर्तमान पॉजिटिवली चार्ज हो गला अगेन ए मेटालिक स्फीयर पाखरे अच्छी अनदर मेटालिक कम C2 तो ये जो पॉजिटिव चार्ज गुड़िक अगेन ए मेटालिक कम रे एक्युमुलेट हेले मेटालिक कम C2 टी बाहर रो होलो मेटालिक स्फीयर सहित कनेक्टेड हेछि जहाँफल से गुड़िक मध्य पॉजिटिवली चार्ज हो गले आउपरे पॉजिटिवली चार्ज एक्युमुलेट हेला से होलो मेटालिक स्फीयर मैंने हाई टेंशन बैटेरी फल आम प्रथम मेटालिक कम को पोटेंशियल पॉजिटिव पोटेंशियल देले जहाँफल पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट हेला C1 रे ताहा ए कन्वेयर बेल्ट साहाज्य रे बॉटम रु टॉप को आसिला मेटालिक स्फीयर सॉलिड मेटालिक स्फीयर टी पॉजिटिव चार्ज हेला कम T2 साहाज्य रे ता होलो मेटालिक स्फीयर पॉजिटिव चार्ज कला ए भुलिया प्रोसेस कंटिन्यू करिवो एवं ए ह्यूज अमाउंट रो पॉजिटिव चार्ज ए होलो मेटालिक स्फीयर ऊपर डेवलप हबो जहाँ फल यही थारे आमे जो पाइबा चार्ज पोटेंशियल भी डेवलप्ड होउछिया समय रे एही जगह पोटेंशियल मूल्य 0 ग्राउंड रे पोटेंशियल 0 वोल्ट एठे पोटेंशियल भी रहला गोटे ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि हला ग्राउंड एवं यह मध्य जो स्ट्रक्चर टा आम करछे आम जो प्रकार आयन सोर्स को टार्गेट रे बम्बार्डमेंट करने चाहूचे से ही आयन सोर्स को एठाए रखा पॉजिटिवली आयन सोर्स पोटेंशियल डिफरेंस प्लस भी 0 दुटा मध्य पोटेंशियल डिफरेन्सटा सब अधिक तेणुक आयन सोर्स रु पॉजिटिव चार्ज ये ट्यूब देके आसिकी टार्गेट रे बम्बार्डमेंट हम बर्तमान गोटे पार्टिकल एक्सेलरेटर भाग काम कला जहाँ को आम कहे भांडेग्राफ जेनेटर तार वर्किंग को आम बुझेदे कौन लिखीचे ए वेल इन्सुलेटेड बेल्ट रैपिडली रोटेट्स बिटवीन द टू पुले P1 एंड P2 विथ द हेल्प ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर दैट नॉट शोन इन द फिगर इन्सुलेटेड बेल्ट कन्वेयर बेल्ट P1 एवं P2 पुले को कंटिन्यूअसली रोटेट करुची बाय द हेल्प ऑफ ए मोटर द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ DC पावर सप्लाई हाई टेंशन बैटरी इज कनेक्टेड टू द स्प्रे कम C1 हाई टेंशन बैटरी स्प्रे कम C1 सहित कनेक्टेड होती ड्यू टू द हाई स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट द पॉइंट एंड्स ऑफ कम C1 द नेबरिंग एयर गेट्स आयोनाइज एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज इज रिपेल और स्प्रेड ऑन दैट ऑफ बेल्ट हाई टेंशन बैटरी फल एपाखे एयर अच्छा सी आयोनाइज हो यार पॉजिटिव चार्ज एक्युमुलेट ऑन दैट ऑफ पॉइंट सरफेस ऑफ द कम मेटालिक कम C1 द नेबरिंग एयर गेट्स आयोनाइज एंड इट्स पॉजिटिव चार्ज इज रिपेल और स्प्रेड ऑन दैट ऑफ बेल्ट
The belt which is moving upward carries the charge from the bottom to top of the belt near the second pulley P2. ए बेल्टा कंटिन्यूसली यही डिरेक्शन रोटेट करछि तेनक जो सब पॉजिटिव चार्ज एठार आक्युमुलेट है ता ए पुले P2 एवं पुले P1 द्वारा बॉटम रु टॉप को आसुची ऑन दैट ऑफ मेटल स्फीयर। आज द मूविंग बेल्ट पासेस क्लोज टू द कलेक्टिंग कम C2 इट इंड्यूसेस ए नेगेटिव चार्ज आर द पॉइंटेड एंड्स ऑफ द कलेक्टिंग कम C2 एंड द कम C2 इज इंटरनली कनेक्टेड टू द मेटल स्फीयर S। एठे बर्तमान पॉजिटिव चार्ज आसला अल्टीमेटली एठे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड है जेहेतु नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होला सॉरी तार नेगेटिव चार्ज गुड़िक ये पॉजिटिव चार्ज आसला तेज पॉजिटिव चार्ज ये इंड्यूस्ड होला जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा फल C2 कम टी इंटरनाली कनेक्टेड है तार सॉलिड स्फीयर सांगे आर उपरे पॉजिटिवली चार्ज एक्युमुलेट हेले सेटा कहवा चाहिए ये इंड्यूसेस नेगेटिव चार्ज आर द पॉइंटेड एंड्स ऑफ द कलेक्टिंग कम C2 एंड द कम C2 इज इंटरनाली कनेक्टेड टू द मेटालिक स्फीयर S तेणुक सी पॉजिटिव चार्ज हो सी इंड्यूस करुच्छे नेगेटिव चार्ज कि जेहतु से इंटरनाली कनेक्टेड होती द स्फीयर S रे पॉजिटिव चार्ज आक्युमुलेट हो स्फीयर S रे पॉजिटिव चार्ज आक्युमुलेट होगा कारण सी C2 रो जो चार्ज को इंड्यूस करुच्छे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो तेज नेगेटिव चार्ज जी परिमाण इंड्यूस्ड हो तमें नेगेटिव चार्ज रो फ्लो अर्थात ये पॉजिटिव चार्ज ही आक्युमुलेट हो एंड्स ऑफ द कलेक्टिंग कम C2 एंड द कम C2 इज इंटरनली कनेक्टेड टू द मेटालिक स्फीयर S द एंटायर पॉजिटिव चार्ज गेट्स ट्रांसफर टू द आउटर सर्फेस ऑफ द स्फीयर दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज लाइज आउटसाइड द स्फीयर आर नॉट इनसाइड द स्फीयर जेहेतु आम प्रिंसिपल लक्ष्य करते इनसाइड दैट ऑफ स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो तेणुक से चार्ज गुड़िक सर्फेस ही आक्युमुलेट हे जेहेतु ये मेटालिक सॉलिड मेटालिक स्फीयर सहित C2 कम टी इंटरनाली कनेक्टेड है ये पॉजिटिवली चार्ज एटे नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होाफल जिते पर पॉजिटिव चार्ज ये आसला ता C2 थ्रू रे आउटर सर्फ हलो मेटालिक स्फीयर ही आक्युमुलेट हो द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ द मेटालिक स्फीयर S पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली आउटर मेटालिक स्फीयर रे जहाँ ना दे S तापर ही आक्युमुलेट हो सिंस द पॉजिटिव चार्ज स्प्रेड्स यूनिफॉर्मली सिंस द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द होलो स्फीयर इज नेग्लिजिबल द पॉजिटिव चार्ज ऑन द बेल्ट इजिली ट्रांसफर्स टू द हाई वोल्टेज इलेक्ट्रोड इरेस्पेक्टिव ऑफ इट्स पोटेंशियल इन प्रैक्टिस इट इज पॉसिबल टू रेज द पोटेंशियल अंटिल द डिस्चार्ज अकर्स टू द एयर इरेस्पेक्टिव व्हाट बी द पोटेंशियल पोटेंशियल जहाँ हो कहीं जिते सब पॉजिटिव चार्ज ए मेटल को आसो बर्तमान आउटर होलो मेटालिक स्फीयर रे से पॉजिटिव चार्ज आक्युमुलेट हे तेणुक बर्तमान गोटे ह्यूज पोटेंशियल अक्रॉस दैट ऑफ होलो मेटल स्फीयर रे डेवलप्ड है से पोटेंशियल से पर्यंत डेवलप्ड हे जेपर्यंत आउटर सरफेस रे से जो चार्ज लीकेज होना कारण आउटर सरफेस एयर रोची तेरे पोटेंशियल किसी परिमाण लॉस है वो ड्यू टू दैट ऑफ लीकेज ऑफ चार्जेस थ्रू दैट ऑफ एयर फ्रॉम द अबव इट इज सीन दैट ए हाई पॉजिटिव पोटेंशियल इन द अपर एंड वेयर द पोटेंशियल एट ग्राउंड दैट इज द लोअर एंड इज जीरो देयरफॉर ड्यू टू द वेरी हाई पोटेंशियल डिफरेंस द पॉजिटिव आयन्स फ्रॉम द आयन सोर्स आर नाउ आइसोलेटेड टुवर्ड्स द टारगेट पॉजिटिवली चार्ज्ड सॉरी वेरी हाई पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप्ड है ये सरफेस रे लोअर एंड ग्राउंड आर पोटेंशियल जीरो दुटी जगह मध्य ह्यूज पोटेंशियल डिफरेंस तेणुक आयन सोर्सटा आक्सेलरेट हो टारगेट रे बमबार्डिंग कर बर्तमान ये गोटे पार्टिकल एक्सेलरेटर भाई काम कला और ये जो पोटेंशियल सृष्टि करुच्ची गोटे ह्यूज अमाउंट रो पोटेंशियल सृष्टि करुच्ची तबे ये जो वेंडेग्राफ जेनेटर आडभांटेज कौन ना चार्ज पार्टिकल्स लाइक प्रोटोन ड्यूटेरन अल्फा पार्टिकल एटसेट्रा आइसोलेटेड बाय दिस डिवाइड जहाँ चार्ज अच्छे जो पार्टिकल गुड़िकर से गुड़िक वेंडेग्राफ जेनेटर साहय आक्सेलरेट हो पारे आ ड्रॉबैक्स कौन इट प्रोवाइड्स हाई वोल्टेज ऑर्डर ऑफ 10^7 वोल्ट एतिक वोल्टर पोटेंशियल ही केवल से जेनेट कर अधिक परिमाण पोटेंशियल डेवलप करना देयर इज ए लीकेज चार्ज थ्रू एयर रे
चार्ज लिकेज होउची सेथिपाई ए चार्ज लिकेज को कमिया पई आमे कोनोसी प्रकार रे ए सिस्टम को एक प्रकार इवाकुएटेड ग्लास चैम्बर द्वारा रखी पारिया तथापि मध्य चार्ज लिकेज हेबो एटा होउची तार एक ड्रॉबैक्स हम प्रथम देखिथिले जे गोटिए भेंडेग्राफ जेनरेटर केते परिमाण रो वोल्ट प्रोड्यूस करची 90,000 वोल्ट प्रोड्यूस करची ए जो वोल्ट प्रोडक्शन तार पोटेंशियल प्रोड्यूस करिवार कैपेसिटी को बढ़ेबा पाई आमे दीटी भांडेग्राफ जेनरेटर को यूज करिवा जा फल तार पोटेंशियल प्रोडक्शन डा बढ़ी जिवो तबे सेही प्रकार अरेंजमेंट को आमे कहउचे टेंडन भांडेग्राफ जेनरेटर वर्तमान से टेंडम भांडेग्राफ जेनरेटर संपर्क रे आलोचना करिवा ए भांडेग्राफ जेनरेटर रे किछि मॉडिफाई करिवा मॉडिफिकेशन के मोली भाबरे करिवा ना टेंडम एक्सेलरेटर इज ए मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ भेंडेग्राफ एक्सेलरेटर कौन मॉडिफिकेशन करचे ना भेंडेग्राफ जेनरेटर इज ए सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर भेंडेग्राफ जेनरेटर जाकू पूर्वर आम आलोचना कले सी गोटे सिंगल स्टेज एक्सेलरेटर वन्स टाइम ताकू एक्सेलरेशन प्रदान कर दिस पार्टिकल को व्हेयर एज टेंडम एक्सेलरेटर इज ए टू स्टेज भेंडेग्राफ एक्सेलरेटर जो टेंडम एक्सेलरेटर जाकू भेंडेग्राफ एक्सेलरेटर किछि मॉडिफाई करके आम तैयारी करवा ता हे गोटे टू स्टेज एक्सेलरेटर दुईटा स्टेज रे से पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रदान कर विथ द सेम ऑपरेटिंग वोल्टेज वोल्टेज कैपेसिटी समान द रिजल्ट्स इन द आउटपुट हाज एनर्जी डबल दैट ऑफ भेंडेग्राफ जेनरेटर तो भेंडेग्राफ जेनरेटर कारण आम जो पार्टिकल को एक्सेलरेट करते जो पार्टिकल एक्सेलरेशन जी रहा एक्सेलरेशन मान तार पार्टिकल एनर्जी रोला से पार्टिकल एनर्जी जी रोला तेज ताको मॉडिफाई करके आम जो टेंडम भेंडेग्राफ जेनरेटर प्रस्तुत करवा से थ्रु आम जो पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रदान करवा तहार एनर्जीटा डबल हो क्यों प्रिंसिपल बेस इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्सल ऑफ द चार्ज ऑन द एक्सेलरेटर आयन्स इन सक्सेसिव एक्सेलरेशन व्हिच ऑलमोस्ट डबल्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ भेंडेग्राफ एक्सेलरेटर लक्ष्य कर से लाइन को कौन कहे प्रिंसिपल ये हूँ भेंडेग्राफ जेनरेटर पॉजिटिव ग्राउंड जीरो एंड्रे जिते बड़े से इंस्ट्रूमेंट को कौन से ग्लास चैम्बर रखा तेब ए एंड्रे पोटेंशियल जीरो आसो तेबे आमे जदि अन्य गोटे भेंडेग्राफ जेनरेटर रो आउटर सरफेस रे नेगेटिव चार्ज को एक्युमुलेट कराई परिबा नेगेटिव चार्ज को एक्युमुलेट कराई परिबा तबे हर पोटेंशियल केते आसीबो माइनस बी तबे माइनस बी एवं प्लस बी मतलब जो पोटेंशियल डिफरेंस आसीबो से पोटेंशियल डिफरेंस कारण रु पार्टिकल को जो हमें काइनेटिक एनर्जी बा एक्सेलरेशन प्रदान करचे ता डबल हो जिवो से प्रिंसिपल केठ लिखा जाय छि इट वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ रिवर्स ऑफ चार्ज ऑन दैट ऑफ एक्सेलरेटर आयन इन सक्सेसिव एक्सेलरेशन व्हिच ऑलमोस्ट डबल्स द काइनेटिक एनर्जी तो कंस्ट्रक्शन अति सहज रे बुझि पारिबा यार कंस्ट्रक्शन रु कंस्ट्रक्शन जहाँ हमें टोटाली पढ़ीले इटा हूँ से ट्रैक जो ट्रैक रे मोर आयन टा गति करुछि तो नुआ करके आड करछे ए ट्रैक जेनटू आम आयन सोर्स दौचे आयन सोर्स आम नेगेटिव आयन दौचे ये नेगेटिव आयन गोटे मैग्नेट पीस दौचे नेगेटिव आयन को आयन रो डायरेक्शन को पर्टिकुलरली ट्यूब मध्य पास करिया पाई आम से पोलारिटी रो मैग्नेट व्यवहार करुचे फॉर डायरेक्टिंग दैट नेगेटिव आयन्स आयन सोर्स रो नेगेटिव आयन ए मध्य देखिए प्रवेश कराला यार पोटेंशियल ग्राउंड रे अच्छी आट ग्राउंड पोटेंशियल एगेन ए एंडटा मध्य ग्राउंड पोटेंशियल रे अच्छी यहाँ रहा चार्जिंग पुले जहाँ को पार्टा आम रही भेंडेग्राफ जेनरेटर ताक कौन मॉडिफाई करछे आमे ए सिचुएशन टा रहा ग्राउंड पोटेंशियल रे ए सिचुएशन टा आम रही कौन वेरी हाई पोटेंशियल रे ग्राउंड पोटेंशियल बर्तमान नेगेटिव आयन ए थ्रु देखि पास करा तेब एठारे आम गोटे सेटअप कराइचे स्ट्रिपर स्ट्रिपर यूज कर स्ट्रिपर रो काम कौन स्ट्रिप स्ट्रिप आय कर जो नेगेटिव आयन है माने कौन से इलेक्ट्रोन परिमाण अधिक अच्छी
स्ट्रिपर काम होची ए जो इलेक्ट्रॉन अच्छी से दुटा इलेक्ट्रॉन बाहर कर दबो व्हिच रिमूव्स द टू इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द नेगेटिव आयन जहाँ फल से आयनटा बर्तमान पॉजिटिव आयन हो गए प्रोटॉन हो स्ट्रिपर काम होला स्ट्रिप आउट इलेक्ट्रॉन दुटा इलेक्ट्रॉन को ए नेगेटिव आयन रु बाहर कर दबो जहाँ फल से बर्तमान पॉजिटिव आयन हो गला पॉजिटिव आयन हो गला माने एठो ए जाके हमर वैन डी ग्राफ जनरेटर प्रिंसिपल ऊपर बेस्ट हबो वैन डी ग्राफ जनरेटर पॉजिटिव आयन पाई जाइथिले आज वेला पॉजिटिव आयन टी आसिलेट हेले अगेन एठो ए पर्यंत हम नेगेटिव ग्राउंड पोटेंशियल नेगेटिव आयन आसला जहाँ फल काइनेटिक एनर्जी अगेन एति काइनेटिक एनर्जी तार आयन वर्तमान काइनेटिक एनर्जी डबल हो गला पर्टिकुलर यही प्रकार इंस्ट्रूमेंट अरेंजमेंट कारण जहाँ आम कह टेंडन वैन डी ग्राफ जेनरेटर तार एक्सेलरेटर एक्सेलरेशन को आम दुई गुणित कर पारे यह प्रकार सेटअप रे एटा ग्राउंड पोटेंशियल एटा ग्राउंड पोटेंशियल एटा वेरी हाई पोटेंशियल जोटा आम कहे प्लस बी एटे जीरो आम स्ट्रिपर यूज करचे स्ट्रिपर टी काम हो से नेगेटिव आयन रु दुटा इलेक्ट्रॉन बाहर करदेव जहाँ फल से आयन टा पॉजिटिव हो द चार्ज पार्टिकल्स गेन काइनेटिक एनर्जी ट्वाइस वन आज नेगेटिव आयन्स देन आज पॉजिटिव आयन्स नेगेटिव आयन काइनेटिक एनर्जी किसी गेन करछि पॉजिटिव आयन काइनेटिक एनर्जी गेन करछि जहाँ फल तार एक्सेलरेशन टा द्विगुणित हो गला तो जनरल वैन डी ग्राफ जनरेटर आम जो पोटेंशियल डिफरेंस सृष्टि करते से पोटेंशियल कारण पार्टिकल को एक्सेलरेशन प्रदान करते जीक एक्सेलरेशन आउला तेज यही प्रकार अरेंजमेंट जहाँ को आम टेंडम एक्सेलरेटर कहचे तार एक्सेलरेशन टा द्विगुणित हो गला तेणुक यह वीडियो माध्यम रे आम कौन पढ़ले वैन डी ग्राफ जनरेटर कौन वैन डी ग्राफ जनरेटर ह्यूज पोटेंशियल सृष्टि करुछि तार प्रिंसिपल के प्रिंसिपल उपरे से डिवाइस टी काम करुछि तार कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल को बेस करके तार कंस्ट्रक्शन करा जायछि वर्किंग केमिति काम करुछि से वैन डी ग्राफ जनरेटर किसी एडवांटेज एवं ड्रॉबैक्स नेक्स्ट से मॉडिफाई करके तार एक्सेलरेटर पावर को द्विगुणित कराए टेंडम एक्सेलरेटर क्यों प्रिंसिपल उपरे बेस्ड तार कंस्ट्रक्शन टेंडम एक्सेलरेटर रे हमें चार्ज पार्टिकल रो काइनेटिक एनर्जी को द्विगुणित कराई पारे सो विथ दिस यूजफुल एंड इनफॉर्मेटिव नोट्स लेट मी वाइंड अप द सेशन थैंक यू।